हेलो, वेलकम वंस अगेन इन शास्त्री ट्यूटोरियल्स। नाउ वी आर विद वन मोर क्वेश्चन ऑफ द जर्नल, दैट इज वीडियोज, दैट आवर वीडियो इज 05, दैट मीन फिफ्थ वीडियो इज देयर। ओके, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं बेटा और इसको विदाउट वेस्टिंग अ टाइम इसको सॉल्व करते हैं हम, ठीक है, जैसे हम अक्सर करते हैं। तो ठीक है बेटा, पहली जर्नल हमारी बोलती है कैश विदड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर कौन होता है बेटा? वो होता है हमारा ऑनर, ठीक है। जो हम एंट्रीज बनाते हैं जर्नल में वो ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं, यानी कि हम हैं इसके ऑनर, ठीक है। प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज़, ओके। तो पर्सनल यूज़ जब भी आएगा तो बच्चे उसको बोलेंगे हम ड्राइंग्स, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे हम? ड्राइंग्स। तो इसमें क्या निकाला गया है? कैश। कैश क्या है मेरा? रियल। और रियल इसमें इन हो रहा है या आउट हो रहा है? प्राइवेट यूज़ के लिए निकाला गया है, ठीक है, यानी कि फर्म से क्या हो रहा है? आउट हो रहा है, ठीक है। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, आपके मन में डाउट हो रहा होगा कि प्रोप्राइटर के पास तो, यानी ऑनर के पास तो पैसा आ रहा है, पर हम बेटा ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे, यानी फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे ना, तो फर्म से तो पैसा गया है, फर्म से तो पैसा गया है। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी बेटा हमारी? ड्राइंग क्या मेरा? एक्सपेंस है। तो इसको क्या कर दूंगा जर्नल एंट्री? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि फर्म से पैसा गया है। कितने का बेटा? 2000 का। क्लियर है? दोबारा समझे, ऑनर ने पैसा निकाला अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो पर्सनल यूज़ को बोल देंगे हम ड्राइंग, और कैश फर्म से गया है, आउट हुआ है, तो उसके लिए हमको उसको कर दिया क्रेडिट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एंट्री क्या कहती है? गुड्स परचेज्ड फॉर 5000 वर टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज़, यानी कि गुड्स जो हमने परचेज किए थे फर्म ने 5000 के, वो प्रोप्राइटर ने, ऑनर ने पर्सनल यूज़, पर्सनल यूज़ मैंने फिर बताया आपको क्या होता है बच्चे? ड्राइंग। पर यहाँ पर गुड्स ना, पिछली एंट्री में क्या था? कैश लिया गया था। इस एंट्री में क्या लिया? गुड्स, गुड्स जो परचेज किया था, ठीक है। तो परचेज का जो नेचर होता है वो डेबिट होता है, पर परचेज यहाँ पर हमारा कम हो रहा है क्योंकि ड्राइंग हमारा हो रहा है इसमें। तो एंट्री बनेगी बच्चे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। ड्राइंग को डेबिट इसलिए क्या है? क्योंकि ड्राइंग हमारी क्या है? एक्सपेंस है। और परचेज क्या कर, जब हम गुड्स को खरीदते हैं तो उसको परचेज करते हैं, और जब उसको हम क्या करेंगे? ड्राइंग कर देंगे, यानी कोई निकाल देगा तो हमारा परचेज से लेस किया जाएगा, तो उसको लिख देंगे हम टू परचेज अकाउंट। इससे ये शो होता है कि गुड्स हमारा क्या हो गया? रिड्यूस हो गया, ठीक है। जब परचेज किया जाता है तो डेबिट किया जाता है, पर जब उसको विड्रॉ कर लिया जाता है या डिस्ट्रॉय बाय फायर हो जाता है तो वो टू परचेज हो जाता है। क्लियर? हाँ, तो नेक्स्ट एंट्री क्या कहती है बेटा? 200 rupees ड्यू फ्रॉम हरी। ड्यू मतलब क्या होता है बच्चे हमारा? आउटस्टैंडिंग, लेना बकाया है, यानी मिलना है। फ्रॉम हरी आर बैड डेट। बैड डेट का मतलब होता है लॉस, यानी कि पैसे का डूब जाना। तो सीधी एंट्री बन जाएगी इसकी, हमने ऑलरेडी इसको प्रीवियस वीडियो में काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर रखा था। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू हरी, क्योंकि हरी ने पैसा नहीं दिया, ठीक है। कितना? 200, और ये सिंपल 200। क्लियर? यस। तो नेक्स्ट फोर्थ एंट्री कहती है गुड्स अनइंश्योर्ड। अनइंश्योर्ड मतलब वो गुड्स जिसका इंश्योरेंस नहीं हो रखा है, जो कि कितने का? 3000 का, यानी परचेज कॉस्ट कितनी है उसकी? 3000 रुपये। वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, यानी कि आग में जलकर डिस्ट्रॉय हो गया, नष्ट हो गया। तो यानी कि हमारा क्या हो गया? लॉस। तो यहाँ लिखेंगे हम लॉस ऑफ स्टॉक या बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना, ड्राइंग में या आग में जल जाए या ड्राइंग हो जाए, पर्सनल यूज ड्राइंग हो जाए, तो उसको हम परचेज को क्रेडिट कर देते हैं ताकि वो हम उसको वहाँ से रिड्यूस कर सकें, ठीक है। चलिए, ये एंट्री जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खास इसी एंट्री की वजह से मैंने आपका ये क्वेश्चन लिया है। कहता है गुड कॉस्टिंग 1000 rupees, मतलब गुड की जो कॉस्ट है, गुड्स की जो कॉस्ट है बेटा वो 1000 रुपये है, ठीक है। और जो डिस्ट्रॉय हुआ है हमारा माल, यानी जो आग में जल गया डिस्ट्रॉय हुआ है, वो कितने का हुआ है? 1000 रुपये का, ठीक है। पर हमें जो क्लेम मिला है, सॉरी, ये जो क्लेम है, क्लेम मिला है क्लेम बाय
इंश्योरेंस कंपनी कितना मिला है, 800 रुपये। यानी हमारा जो नुकसान हुआ है वो तो 1000 रुपये का हुआ है, पर हमें इंश्योरेंस कंपनी ने कितने दिया, 800। बेटा इंश्योरेंस कंपनी कभी भी पूरा पैसा नहीं देती, आपको पता होगा, ठीक है। तो 200 रुपये का क्या हुआ मेरा, 200 रुपये का क्या हो गया बच्चे, मेरा लॉस हो गया। 200 रुपये का क्या हो गया, मेरा लॉस हो गया, क्योंकि 1000 में से 800 तो मेरा क्लेम हो गया, यानी 800 रुपये मुझे मिल गए और 200 रुपये का मेरा क्या हो गया बच्चे, ये मेरा प्योर लॉस हो गया, ठीक है। अब इसको एंट्री में कैसे लिखेंगे वो सीखते हैं। चलिए जी, एंट्री में कैसे करेंगे, तो इसकी 3 एंट्री बनेगी। तो पहली एंट्री बनेगी ए। ए क्या बनेगी, पहले हम लॉस को शो करेंगे कि लॉस हमारा हुआ है, तो एंट्री बन जाएगी लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट टू परचेज अकाउंट, ठीक है, ठीक है बच्चे, टू परचेज अकाउंट कितने का हुआ है हम उसमें दिखाएंगे, सर हमारा पूरा 1000 रुपये का माल जला है। फिर सेकेंड एंट्री भाई, जब हमारे दुकान में आग लग जाएगी या हमारे स्टॉक में आग लग जाएगी तो हम किसका दरवाज़ा खटखटाएंगे, इंश्योरेंस कंपनी का, क्योंकि हमने माल का इंश्योरेंस कर रखा था। तो एंट्री इंश्योरेंस क्लेम के लिए क्या लिखेंगे हम, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस, उसको बताएंगे ना लॉस बाय फायर, कितने का, हम तो चाहेंगे 1000 रुपये का माल जला है तो पूरे 1000 रुपये मिल जाए, पर इंश्योरेंस कंपनी तो बड़ी तेज होती है बच्चे, वो पूरा क्लेम थोड़ी देगी, वो कितना क्लेम देगी अब देखते हैं। तीसरी एंट्री में हमें क्लेम कर मिलने की एंट्री, क्लेम हमें कैसे मिला है, बाय चेक मिला है, ठीक है ना, हमने लिखा था ऊपर बाय चेक, देखो साफ दिख रहा है ना, कैसे मिला है, बाय चेक, ये बाय चेक मिला हमें, ठीक है, तो हम इसको बाय चेक की एंट्री बनाएंगे, क्लियर है। तो इसकी एंट्री कैसे बन जाएगी हमारी, तो इसको लिखेंगे हम, हमें चेक मिला है तो यानी कैश तो लिख नहीं सकते, हम क्या लिखेंगे, बैंक, तो हम लिखेंगे सर बैंक अकाउंट डेबिट, और हमें जो कितना था बेटा पूरा 1000 रुपये तो हमें कॉस्ट थी और 200 रुपये का हमारे को लॉस हुआ, 800 रुपये मिले, तो कितने रुपये का चेक मिला हमें बच्चे, तो यहाँ लिख देंगे हम 800 रुपये, और 200 रुपये का हमारा लॉस हो गया, तो यहाँ पर लिख देंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। टू किससे मिला हमें, टू इंश्योरेंस कंपनी, कितना 1000 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी 3 एंट्री बनेंगे, क्लियर है बच्चे। पहले हमारा लॉस को शो करेंगे, ये एंट्री किसको शो करती है हमारी, लॉस बाय फायर, ये किसको करेगी, क्लेम करने के लिए, यानी दरवाजे का, अरे ये मनी रिसीव्ड के लिए, ठीक है। तो 3 एंट्री बनती है हमारी, क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर। चलिए अगली एंट्री पकड़ते हैं, क्या कहता है, गुड्स कॉस्टिंग, 500 रुपये का जो गुड्स है वो कैसे दे दिया हमने, चैरिटी में, चैरिटी मतलब दान में कर दिया, और इसमें दो प्राइस दे रखे, एक 500 दे रखा और एक सेल प्राइस दे रखा है। तो बेटा जब हमने चैरिटी किया होगा तो ऑब्वियसली बात है सेल प्राइस में तो किया है नहीं हमने, तो कॉस्ट प्राइस में क्या होगा, तो कॉस्ट प्राइस 500 लेंगे, तो एंट्री क्या बन जाएगी हमारी, एंट्री बन जाएगी सर हमारी चैरिटी अकाउंट डेबिट और टू, अगर गुड्स गया है तो टू परचेज, कैश जाता तो टू कैश, तो टू परचेज अकाउंट, और कॉस्ट प्राइस लेंगे 500, ना कि सेलिंग प्राइस। चलिए एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग एंट्री लेते हैं, सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर। अच्छा यहाँ ध्यान रखिएगा, सोल्ड क्या है, हाउस होल्ड फर्नीचर को, ना कि बिजनेस के फर्नीचर को, फर्म के फर्नीचर को, क्लियर है, जो कि 5000 का था और जो उससे पैसा आया, प्रोसीड मतलब जो उससे पैसा आया वो हमने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। बिजनेस में जब भी हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो क्यों करते हैं, हम कैपिटल को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो सिंपल एंट्री बन जाएगी इसकी कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिजनेस में कितना आ गया पैसा, 5000 रुपये आ गए, और पैसे आने से क्या बढ़ी हमारी, टू कैपिटल अकाउंट 5000 रुपये, सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि अगर ये फर्नीचर जो होता फर्म का होता है तो सेल की एंट्री बनती, क्या बनती है, सेल की एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू
फर्नीचर अकाउंट, पर ये हाउस होल्ड फर्नीचर है और उससे जो पैसा आया है वो हमने बिजनेस में प्रोसीड कर दिया, यानी इन्वेस्ट कर दिया। तो इन्वेस्ट जब भी करते हैं तो हमारा कैश यानी फर्म के अंदर आ गया और हमारी कैपिटल क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। होप सो आपको ये क्वेश्चन पूरा समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।